इस साल सरईपाली में दशहरा उत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया। फुलझर क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र से हजारों की तादाद में आमजन दशहरा उत्सव देखने के लिए सरईपाली के राजमहल मैदान पहुंचे थे, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि के अलावा दूरदराज से काफी संख्या में जनप्रतिनिधि, नेता और कई समाज सेवक लोग एकत्रित होकर कार्यक्रम देखने पहुंचे थे। आपको बता दें, पिछले दो साल कोरोना महामारी के चलते पूरे प्रदेश में लगभग सभी त्योहारों के साथ साथ दशहरा उत्सव भी नहीं मनाया जा सका था, जिसके चलते लोगों को काफी निराशा हुई थी। लेकिन इस वर्ष पूरे प्रदेश में सभी स्थानों पर त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। सरईपाली में भी दो साल बाद राजशाही दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। राज परिवार के लोग राजकीय वेशभूषा में पूजा अर्चना और लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद भ्रमण करते हुए सरईपाली के पुराना मंडी प्रांगण पहुंचे थे, जहां पूरे विधि विधान के साथ 21 फीट के रावण का दहन किया गया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। राज परिवार के राजा देवेंद्र बहादुर सिंह ने लोगों के सुख शांति समृद्धि और पूरे प्रदेश में अमन शांति के लिए प्रार्थना करते हुए सभी को दशहरा उत्सव की बधाई दी और शुभकामनाएं दी है।